स्टार प्लस का लोकप्रिय सीरियल अनुपमा आजकल हर किसी का फेवरेट बना हुआ है, जिसकी कहानी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए मेकर्स नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अनुपमा सीरियल से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही दिलचस्प बातें हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता और जिनके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो इसलिए आज हम आपको अनुपमा सीरियल से जुड़ी उन दिलचस्प बातों के बारे में बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मगर इन बातों को जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर वन, छोटे पर्दे पर अनुपमा का रोल निभाकर रूपाली गांगुली हर किसी की फेवरेट बन गई हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि शो के लिए रूपाली गांगुली मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि रूपाली गांगुली से पहले ये रोल साक्षी तंवर, श्वेता तिवारी और जूही परमार को ऑफर किया गया था, जिनके साथ जब बात नहीं बनी तब जाकर ये शो और ये कैरेक्टर रूपाली गांगुली को ऑफर हुआ था। नंबर टू, आप सभी को यही लगता होगा कि सिर्फ फिल्में ही रिमेक होती हैं, टीवी सीरियल्स नहीं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुपमा सीरियल बंगाली सीरियल श्री मोई का रिमेक है और वही अनुपमा का मराठी वर्जन आई कुठे काय करते भी बन चुका है। नंबर थ्री, आज अनुपमा शो को अपने शो के नाम से इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ अनुपमा का नाम है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो का नाम पहले अनुपमा नहीं बल्कि कभी अनुपमा की कहानी, अन्नू की कहानी, रिश्तों की दास्तान होने वाला था। नंबर फोर, अनुपमा सीरियल में एंट्री लेने से पहले रूपाली गांगुली ब्रेक पर थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रूपाली गांगुली सीरियल में एंट्री लेने से पहले लगभग 7 सालों से ब्रेक पर थी और अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी। मगर जब रूपाली गांगुली ने इस शो में एंट्री ली तो उनकी एंट्री तो धमाकेदार साबित हुई। नंबर फाइव, रूपाली गांगुली के साथ लीड रोल निभाने वाले अभिनेता सुधांशु पांडे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले सुधांशु पांडे एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं, जो कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुधांशु पांडे एक्टिंग नहीं बल्कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर इनके किस्मत में एक एक्टर बनना लिखा था, तभी तो ये आर्मी ऑफिसर की जगह एक एक्टर ही बने। तो दोस्तों, क्या आप अनुपमा सीरियल से जुड़ी ये बातें पहले से जानते थे या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।